दोस्तों, इस वीडियो में जो है दोनों गैदरिंग को हम जोड़ने वाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीट देखें अच्छे तरीके से, काफ़ी मजबूत जो है हम जोड़ने वाले हैं। और इसका मेन फॉर्मूला क्या है जोड़ने का, किस तरीके से जोड़ना चाहिए, तो वीडियो को कम्प्लीट देखें। और इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं कि ये पॉकेट किस तरीके से बनाया गया है, बॉक्स पॉकेट किस तरीके से बनाए हुए हैं, ये सब कैसे अटैच किए हुए हैं, सिलाई का पूरा वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या मेरे चैनल पे जाकर इसी चैनल पे आप देख सकते हो जिस पे देख रहे हो। तो बहुत ही डिटेल्स में इस वीडियो को हमने पार्ट बाई पार्ट बनाए हैं, तो एक बार जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम स्टिच करते हैं, गैदरिंग को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट करने के लिए देखिए, जहाँ से चैन लगा हुआ है ये चैन, यहाँ पे इस तरीके से एक निशान लगा लेते हैं। इसके बाद ये देखिए, यहाँ से इंची टेप को मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे और जितना है उतना पे हम मार्का लगाएंगे। इसका जो कमर है वो 23.5 है, कितना 23.5, तो ये देखिए 11.5 पे लगाएंगे, तो 23 हो गया, ये 12.5 पे मेरा 23.5 कम्प्लीट हो जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब इसको इस तरीके से एक मार्का लगा लिए। एक बार और जांच कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से, और ये 12.5, ठीक है, 23.5, ये देखिए 23.5 बनाना है कंप्लीट। अब इसको हम साइड में करेंगे, और ये देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें बैक पॉकेट नहीं है, और ये बामा साइड का है, ठीक है, जिसमें फ्लाई का सिलाई लगते हैं ना, वो इस पार्ट को हम सीधा कर लेते हैं, काफ़ी आसान होता है। ये हमने इसको सीधा कर लिया, ये देखिए सीधा कर लिया, ठीक है, एक उल्टा रखते हैं एक सीधा रखते हैं, ये देखिए। और दूसरा जहाँ से ये फोल्ड होने वाला है ना, ये पॉइंट जो फोल्ड होने वाला है, ये देखिए इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, तो यहीं से ये मार्का एक लगा लेते हैं, और यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखते हैं, और इसको इस तरीके से आगे की तरफ आएंगे, और 23.5 है, तो ये देखिए 12.5 पे मेरा 23.5 कम्प्लीट आ जाएगा। और ये मार्का लगाने के बाद आप इसी मार्का को इस तरीके से सीधा में मार्का लगा लें, ठीक है। ये क्यों लगाते हैं सिलाई करते समय आपको समझ में आ जाएगा, ये देखिए कम्प्लीट, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम हटाते हैं, और ये जो मेरा पल्ला है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे इस तरीके से, ये मेन पॉइंट है, आप ध्यान से देखें। इसके बाद इसके अंदर, ये देखिए इसके बाद इसके अंदर ये डालेंगे, ठीक है, किससे डालेंगे, देखिए ये सीधा है ना, तो इसको इस तरीके से, ये देखिए ये उल्टा है, एक बार और समझ लें, और ये सीधा है, ठीक है। सीधा कौन सा पल्ला है आपको, ये देखिए जो आगे तरफ हुक निकला हुआ रहता है वही पल्ला है, और इसके अंदर इस तरीके से हम डाल देंगे, ये देखिए, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ पे इस जोर पे इसको इस तरीके से मिला देंगे कंप्लीट, और यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे, यहाँ से मिलाते हुए चलेंगे, ये देखिए, ठीक है, ये लुपी भी लुपी मिलता हुआ चलता है, और यहाँ पे दोनों मार्का में मार्का मिलना चाहिए, ये देखिए हल्का एक सूत इधर उधर चलेगा, ये देखिए, ठीक है, मार्का में मार्का मिल गया, तो इसको हल्का एक कच्चा सिलाई कर लेते हैं। अब इसको सिलाई कैसे करेंगे ध्यान में रखिए, इसको कभी भी आप इस तरीके से सिलाई चलाएं तिरछा, ठीक है, बाहर को इधर को एक सूत निकाल लें, और एक सूत इधर, ये जो मार्का लगाए हैं मार्का से एक सूत इधर आ जाए, और इसको तिरछा कर दें। ये किस लिए कि आप जब बैठते हो तो पीछे का सीट आपका दिखता है, इसीलिए इसको तिरछा सिलाई करते हैं, ताकि वो बंधन में पड़ जाए, ठीक है। ये देखिए इसको सीधा तिरछा सिलाई चला लेते हैं, ये देखिए। अब इधर को आते हैं, ये देखिए यहाँ को आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको इस तरीके से बराबर जो है, ये देखिए बराबर यहाँ पे दोनों बेल्ट को इस तरीके से रखना है। एक सूत हम ज़्यादा ऊपर की तरफ रखें किसको, ये ऊपर वाले को, ठीक है, इसको हम, ये देखो आपको दिखता होगा कि हमने एक सूत बड़ा रखा है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड, जितना फोल्ड करना है ना, ये देखिए, ठीक है। अब कहाँ पर रखेंगे, ये जो हमने मार्का लगाया है इस मार्का पे, ये देखिए इस मार्का पे, और कभी भी ये जो जो चैन सेट हुआ है इसमें, ये देखिए यहाँ पे दो सूत बाहर की तरफ रखना है, क्या करना है, ये देखिए दो सूत बाहर की तरफ रखे हुए हैं, बराबर नहीं रखे हुए, दो सूत इधर को रखे हैं, ये आप ध्यान से देख लीजिए,
ठीक है। अब इसको यहाँ पे हल्का छोड़ेंगे, अब यहाँ पे इस तरीके से सीधा करके इसको कैच करेंगे, पकड़ेंगे। अब यहाँ पे मिलाएंगे, ये देखिए, ये काफ़ी ज़रूरी है मिलाना, ये गैदरीन का दोनों का नीचे का सिलाई मिल गया ना। अब इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, कपड़ा को अंदर ले जाएंगे मशीन पे और इसको इस तरीके से रखेंगे, नीडल को एक नीचा कर देंगे ताकि कभी भी घसके ना, और इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इसको हम निकालेंगे, इसमें सिलाई नहीं चलना चाहिए। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से बैठाते हुए ये दो सूत बाहर की तरफ ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं, ये देखिए, ठीक है। ज़्यादा ये बाहर हो जाएगा तो काफ़ी बेकार हो जाएगा। और ये देखिए, इस तरीके से रखेंगे। अब इसको सिलाई चलाएंगे, ये सिलाई कहाँ तक चला ये आप देख लो, जहाँ पे ये लगा हुआ है ना, इससे एक सूत ऊपर की तरफ और ये सुई नीडल नीचे है, और इसको इस तरीके से कपड़े को ऐसे घुमा लेना है। घुमाने के बाद यहाँ पे फिर उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई रिटर्न आएंगे और ऐसे देख लेंगे कि मेरा ज्वाइंट जो है, ज्वाइंट के ऊपर ज्वाइंट सिलाई है कि नहीं। ये देखिए, यहाँ पे मेरा वो डबल हो गया, वहाँ पे काफ़ी मजबूत हो गया। अब देखिए, यहाँ से इसको इस तरीके से बैठाना है। ये जो आप सिलाई देख रहे हो, इसी के ऊपर कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी के ऊपर कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है। ऐसे सिलाई, ये जो गैदरीन की सिलाई है, मशीन का बिल्कुल राइट सिलाई होना चाहिए। देखिए किस तरीके से, कभी कभी ये इसके ऊपर भी सिलाई आ जाता है, कभी कभी हल्का एक सूत दो सूत मिलाना पड़ता है। तो ये देखिए, इस तरीके से कभी भी सिलाई चलाए तो आगे पीछे सिलाई रख, हाथ रख के चलाएं, इसको लमराते हुए, इसे ऐसे टानते हुए, नहीं तो कभी भी फट जाएगा। यहाँ पर रोक दिए, फिर ऐसे इसको घुमाएंगे और एक सिलाई और चलाते हुए ऐसे इस तरीके से सेम ले जाएंगे, जिससे कि आपको दिखता होगा। ये देखिए, मार्का मेरा यहाँ से इस तरीके से अंदर को है, ये दो सूत बाहर की तरफ सिलाई लगा हुआ है। तो ये आप जब सिलाई चलाओगे तो खुद आपका अंदाज चल जाता है। अगर आप नए हो तब इसके ऊपर भी सेम सिलाई चला सकते हो, बट ये आपका मार्का सही है या नहीं है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इधर उधर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है सिलाई करते करते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये जो सिलाई चलाएंगे, सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलेगा, तब जाके आपका गैदरीन मजबूत हो सकता है, नहीं तो मजबूत नहीं होगा। फैब्रिक को हम आगे से भी टान रहे हैं और पीछे से भी इस तरीके से टान रहे हैं, इससे क्या होगा, गैदरीन आपका जल्दी फटता नहीं है टान कर सिलाई चलाने से। यहीं पे इस तरीके से हल्का लॉक करेंगे, एक दो बार इसको उतार देंगे। हम ज़्यादा मन आता इसको मजबूत सीते हैं, इसको ये देखिए, यहाँ पे तीन सिलाई हो चुका है, ठीक है। और इसके ऊपर एक ऐसे भी चीरा लगा सिलाई होता है, और यहाँ पे टान कर दो सिलाई, अगर आप चाहो तो इस पर तीन सिलाई लगा दोगे तो काफ़ी फिक्स हो जाएगा, फटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये मैंने दो काफ़ी छोटा टाँकी करके हमने दो सिलाई के ऊपर सिलाई लगाया है, यहाँ पर तीन हो गया। अब इसके ऊपर अब क्या करेंगे, इसको ये देखिए, इसको इस तरीके से रखेंगे। अब इसको ये इधर को ज़्यादा कपड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको इस तरीके से सेम अच्छे तरीके से छाड़ देंगे, ज़्यादा कपड़ा रहेगा तो ये बैठेगा ही नहीं। इस तरीके से राउंड करते हुए कट करेंगे, यहाँ को हल्का दो सूत आधा इंच एक्स्ट्रा रहना चाहिए। अब यहाँ पे नोचिस लगाएंगे कूट का, ताकि उभरे ना, फोचरा ना दे। ये देखिए, इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, कि यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये जो है नीचे इस तरीके से हमने तोड़ लिया, ऐसे रखा। अब इसको ऐसे डबल करेंगे, इसके बाद ऐसे सिलाई करते हुए चल देंगे। अब सेम इसी प्रकार से उसको भी सिलाई करेंगे, तो एक नीचे से आएगा तो ये एक ऊपर से जाएगा। ये देखिए इस तरीके से,
ये देखिए कंप्लीट ये हो चुका है। कितने लोग इसको तुरपाई करते हैं और कितने लोग सिलाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो। इसके बाद अब हम करेंगे चैन का सेटिंग, ये देखिए, ठीक है, चैन का सेटिंग और फ्लाई का सिलाई। तो कंप्लीट देखिए वीडियो को ताकि आप जो है अच्छे तरीके से सीखें। ये देखिए ऐसे ही रखे थे ना, इसी तरीके से रखे हुए थे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से रखे हुए थे, आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से भी सिलाई किए हुए हैं, इसी तरीके से रखे थे। अब करना क्या है कि इसको इसी तरीके से रख कर इसको कवर को ऐसे कर लेना है, ये देखिए, ठीक है। अब इसको नीचे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ भी पकड़ लेंगे, ये देखिए सेम। और ये जो सिलाई है इस चैन के ऊपर, इसमें अटैच कर देंगे इस वाली पार्ट में। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, चैन जो है इसको ओपन करेंगे पूरा जर तक और देखेंगे कितना दूरी पे ये सिलाई हो रहा है। तो ये देखिए आपको किस तरीके से सिलाई हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, कोई भी दिक्कत ना हो। ये देखिए अब इसको इस तरीके से हटाएंगे और पूरा सिलाई चला देंगे। अब देखिए ये तो सिलाई चल गया, तो ये हटके सिलाई चला हुआ है, इतना हटके नहीं होता, एक यहाँ पे एक किनारे पे भी सिलाई चलाएंगे, ठीक है, इतना पे सिलाई चलाएंगे। तो इसको इतना चैन को इस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए अब जो जर में सिलाई चलाना है तो यहाँ इस तरीके से सिलाई चैन को ऊपर चढ़ा लें, ये देखिए, ठीक है। और पूरा जर में सटा कर अगर सिलाई चला देंगे आप तो चैन लगेगा ही नहीं, इसलिए हल्का अलग ही सिलाई चलाएं। अब इतना सिलाई आने के बाद इसको चैन को ऊपर, नीडल को ऊपर किए और चैन को नीचा किए, अब इसको सिलाई इस तरीके से लगा देंगे। अभी देखिए इतना क्या करेंगे कि इसको हल्का चैन को आप यहाँ से कट कर देंगे, अब इसको यहाँ से इतना एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको आप मजबूत करेंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हल्का लमराते हैं और इसको इस तरीके से चीरा लगाते हैं और अब इसको इस तरीके से देखते हैं कहाँ तक ये आ रहा है, कि यहाँ तक आया, हल्का बढ़ा कर इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और देखिए यहाँ से इस चीरा लगाकर ऐसे सिलाई चलाएंगे एक एक पे। एक ऊपर से जब फ्लाई का सिलाई लगाते हैं उस समय लगेगा ऊपर से, ये देखिए ये एक पार्ट में तो सिलाई लग गया और इसमें जो लगेगा इस वाले में ये ऊपर से लगेगा। अब इतना सिलाई होने के बाद अब इसको हम सीधा करेंगे, ये देखिए यहाँ से जो हमने अंदर डाला था इसको पैंट को सीधा कर लेते हैं, ये देखिए। सीधा करने के बाद इस चैन को इस तरीके से ऊपर की तरफ लगाएंगे और वही सेम जितना आगे की तरफ बढ़ाए हुए हैं सेम उतना पे चला जाएगा। अब इसको इस तरीके से पकड़ के इसको इस तरीके से हल्का टालना पड़ेगा, ये देखिए बैठाने के लिए, नहीं तो बैठेगा ही नहीं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से बैठाने के बाद अब इसके ऊपर फ्लाई का सिलाई लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है। इस चैन को इस तरीके से खोलें, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे कितना चला आप सिलाई चलाना चाहते हैं। अब यहाँ पे लॉक कर देते हैं, ये देखिए लॉक कर दिए। अब यहाँ से ये देखिए इसको इस तरीके से बैठाने के बाद इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से रख लेते हैं, फिर जो है अब आगे की तरफ सिलाई रखते हैं, हाथ को रखते हैं और सिलाई चलाते हैं। देखिए यहाँ तक सिलाई चलाने के बाद चैन को ऐसे लगाना है, ठीक है। अब ये जो है ये फैब्रिक जो दिख रहा है नीचे का आपको, ये इधर को रहेगा, देखिए, ठीक है। अब इसको हल्का राउंड करेंगे, इतना राउंड करने के बाद ये देखिए पूरा यहाँ तक नहीं है, इतना राउंड करने के बाद नीडल को ऊपर करेंगे और ये जो आपका कपड़ा है इसको इस तरीके से उस साइड को कर देंगे। अब इसको
धागा ऊपर से खींच लेंगे, अब इसको राउंड कर देंगे पूरा कंप्लीट। यहाँ पे जहाँ लोहा है, लोहा जो रहता है ना चैन में, उसको बचाते हुए, नहीं तो होगा क्या, सुई टूट जाएगा। अब ऊपर को आते हैं हल्का, लगभग आधा इंच या दो सूत, आपको कितना अच्छा लगता है वो मैंने करता है। और इधर को लॉक करेंगे चार पांच टाँकी, और ऊपर से सीधा नीचे की तरफ जो हमने बताया है, अब इस फैब्रिक को ये देखिए, ये जो आप दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको इस तरीके से रखेंगे अच्छे तरीके से, और नीचे लब पर सिलाई चलाते हुए आ जाएंगे इस पे ऊपर। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये छोटा पैंट है, बड़े पैंट ये सब नहीं आना चाहिए, ये फोचला तो साफ नहीं आना चाहिए, ये फेस पे आ जाएगा। ये देखिए किस तरीके से ये आपको लग गया, ठीक है कंप्लीट। तो ये ट्यूटोरियल आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है दोस्त, ये लगाएंगे हुक किस तरीके से लगता है तो वो देख लीजिएगा। और इसका और भी पार्ट बाई पार्ट, जैसे कि ये पॉकेट बनाना, बैक पॉकेट, साइड जोड़, अच्छे तरीके से वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसका स्पेशल वीडियो फ्लाई का सिलाई लगाने वाला देखना चाहते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हो, या इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और आप सब, हमें उम्मीद है कि आप जो है वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट करके जो बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।